नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमति यादव जी हैं और इंडिया गठबंधन की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। उम्मीद ये थी कि इस बैठक में बहन जी के आने के शुभ संकेत मिलेंगे, लेकिन आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जी जो बैठक धन्यवाद। हुई है इंडिया गठबंधन की, तो इसमें क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं और सीटों पे क्या रणनीति बनी है, और बहन जी के आने के, मायावती जी के क्या सिग्नल मिले हैं? आपको क्या लग रहा है, मायावती जी कब तक आ सकती हैं? देखिए, ऐसा है, देश में इस टाइम जो है, एक तो था घोषित आपातकाल, इस टाइम पे लगा हुआ है अघोषित आपातकाल। तो ये कांग्रेस ही पार्टी है जिसने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया था, तो इन्हीं अंग्रेजों के ये पिट्ठू जो है आज सरकार में आ गए। तो आज देश के हर दल की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि जैसे कभी आंदोलन चला था, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, उसमें कांग्रेस लीडिंग रोल में थी और सभी नेता एक झंडे के नीचे आ गए थे। तो हम तो हिंदुस्तान की हर पार्टी से ये अपील कर रहे हैं कि देश में जो है, जो ये इस टाइम जोगा भोगा आ गए, इनको वहीं भेज दो, ये जहाँ से आए हैं। तो लोकशाही को बचाए रखने के लिए बहन जी से पुरजोर अपील है जो है कि इस गठबंधन में आए आप जो है, और बहुत ज़्यादा अपना नफा नुकसान न देखें। देश के जो वर्तमान हालत हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि बहन जी को इस गठबंधन में आना चाहिए, और हमें जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि बहन जी आएंगी, वो इन सब बातों को वो भी समझ रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। नहीं, सूत्रों के मुताबिक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी को अभी तक सम्मानजनक सीटों का आप लोगों ने आश्वासन नहीं दिया है, और बहन जी का ये मानना है। हालांकि मैं इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि बहन जी तब तक थोड़ा टालम टोल करेंगी जब तक उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं। उनका कहना है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, जब तक हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तब तक वो इस पे विचार नहीं कर पा रही हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने जो है हमेशा बहन जी का सम्मान रखा है, आगे भी सम्मान रखेगी। और रही बात ये कि सम्मानजनक सीट देना जो है, तो वो मिल बैठ के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब तय करेंगे। और कांग्रेस भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। 2009 का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कांग्रेस भी बड़ी अच्छी स्थिति में थी, पार्लियामेंट में कांग्रेस की बहुत अच्छी सीटें थी जो है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहन जी को क्या कहना चाहिए जो है, बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ऐसा नहीं होगा। बहन जी को साथ लिया जाएगा और साथ लेके ही जो है इनको हराने के लिए रणनीति तैयार करी जाएगी। और मैं सोचता हूँ यूपी में बहन जी बहुत बड़े अहम रोल में रहने वाली हैं, आप इसको मान लीजिए। आप किस तरीके से देखते हैं, जिस समय जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में दलितों और शोषितों के साथ जहां जहां बीजेपी की सरकार है तो ये घटनाएं आती हैं कि दलितों शोषितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी आ जाती हैं, चूंकि बहुजन राजनीति का एक बड़ा चेहरा रही है बहन जी, तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें आपकी जो मुहिम है इसमें तेज धार आ सकती है? देखिए, जहाँ तक रही बात दलितों के शोषण की, तो आप ये जान लीजिए ये बीजेपी वही पार्टी है जिसके फॉलोअर चाह रहे हैं कि देश में मनुस्मृति लागू हो जाए, लेकिन कांग्रेस ये हरगिज नहीं होने देगी। कांग्रेस को जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, कांग्रेस वो देने को तैयार है। और आप ये 99.9% मान के चलिए कि बहन जी गठबंधन में आ रही हैं और बहन जी के साथ ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक खबर ये भी सुनने में आ रही है कि चंद्रशेखर भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, जो अपनी आजाद समाज पार्टी चलाते हैं, और एक आदिवासियों की भी पार्टी है जो अभी राजस्थान में 3 विधानसभा सीटें लेके आई थी, बहुजन आदिवासी पार्टी। तो अगर ये दोनों दल भी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से बहन जी कुछ टालम टोल कर रही हो? मेरी समझ में ऐसी तो कोई बात नहीं रहेगी जो है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने, आप मान लीजिए जो है कि आज जिस विधान से देश चल रहा है,
बाबा साहब को जो है इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी कि आप अपने वर्ग के साथ न्याय करने के लिए, उस टाइम पे आप मान लीजिए जहाँ ऐसा माहौल था देश में जो है कि लोग उनकी परछाई नहीं देखना चाहते थे, लोग उनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहते थे, उस टाइम कांग्रेस ने आप मान लीजिए कि दलितों को जो नायक नहीं महानायक थे उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी थी कि भाई इस समाज के लिए आप कुछ करिए। तो आप ये मान लीजिए, मैं तो यही मानूंगा जो कि कांग्रेस चाहे बहन जी कुछ भी कर लें, लेकिन आप ये समझ लीजिए इस टाइम पे जो है कि कांग्रेस के साथ ही बहन जी का भला है और देश का नहीं, जो देश की आज 140 करोड़ की आबादी है उस आबादी का भला भी मैं तो यही कहूँगा कि इस गठबंधन के साथ ही रहेगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे जैसे हमें इंडिया गठबंधन के बहन जी के साथ जुड़ने के कोई भी खबर मिलेगी तो हम आपको अपडेट करेंगे और जल्द ही आपके साथ इस विषय पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी।